तो दोस्तों और गुड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको लहसुन के गुण और दोष बताऊंगा। वैसे आप सभी लहसुन से परिचित हैं। लहसुन अपने गुणों के कारण भोजन में उपयोग किया जाता है। इसके खाने से खाने का स्वाद बढ़ जाता है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर व्यंजनों के अंदर ये अलग स्वाद लिए तरह तरह का लहसुन इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन मूल रूप से मध्य एशिया से है, लेकिन इसका इतिहास काफ़ी प्राचीन है और विशाल है। संयुक्त राज्य कृषि विभाग के अनुसार खेती की जाने वाली सबसे पुरानी फसलों में लहसुन का नाम भी शामिल है। प्राचीन भारत में लहसुन का इस्तेमाल औषधीय और भूख बढ़ाने वाले फायदों के लिए किया जाता था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रीस में कुछ देवताओं के लिए लहसुन को उपयुक्त प्रसाद माना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार कई वर्ष पूर्व ग्रीक ओलंपिक खिलाड़ी अपना प्रदर्शन बेहतर के लिए लहसुन का सेवन करते थे। भूख बढ़ाने के लिए ईरान, तिब्बत, इजराइल, पर्शिया जैसे देशों में लहसुन को औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। लहसुन को प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स भी कहा जाता। इसके अलावा दुनिया भर के सेहत विशेषज्ञों ने इसे प्लांट तिलिस्मान और रशियन पेनिस चिलिन रोगनाशक औषधि का नाम दिया। वास्तव में मिस्र के शिलालेखों पर उल्लेख किया गया कि प्राचीन मिस्र में पिरामिड का निर्माण करने वाले गुलामों के लिए लहसुन का इस्तेमाल सप्लीमेंट के रूप में किया जाता था। इस बात से पता चलता है कि लहसुन सेहत के लिए कितना गुणकारी है। आयुर्वेद में 6 स्वादों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 5 स्वाद लहसुन में मौजूद है। लहसुन में तीखा, नमकीन, मीठा, कड़वा और कसला स्वाद होता है। इसमें सिर्फ खट्टा स्वाद नहीं होता। इसका वानस्पतिक नाम एलियम सेटाइवा और सामान्य नाम गार्लिक और लहसुन और संस्कृत में अशोभक और इसको भौगोलिक विवरण लहसुन मूल रूप में एशिया से संबंधित है। लहसुन की खेती भारत, चीन, यूरोप, ईरान और मेक्सिको में की जाती है। इसके गुण लहसुन के हृदय को ये ताकत देता है, गठिया को ठीक करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, सर्दी से बचाव करता है। कच्चा लहसुन खाने से संक्रमण से लड़ने की ताकत होती है, एलर्जी को दूर करता है। लहसुन दांत दर्द में भी आराम कर देता है। लहसुन पाचन क्रिया में बेहतर लाभदायक है। लहसुन के औषधीय प्रयोग कैंसर को रोकने में सहायक होते हैं। लहसुन खाने से वजन कम होता है। लहसुन के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, बताऊंगा मैं आपको। बालों के लिए भी हितकारी है, वजन कम करने में लाजवाब है। खाली पेट लहसुन खाने का अलग लाभ, लहसुन और शहद का खाने का फ़ायदा, लहसुन और सब्जियों में सूप की रेसिपी, लहसुन के तेल के फायदे और नुकसान, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले हृदय, अपना जो हृदय है, हृदय के ऊपर लहसुन एक बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जब ही हृदय रोग होता है और आदमी की मृत्यु होती है। कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं बढ़ेगा तो हृदय मजबूत रहेगा। लहसुन दिल के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार माना जाता है। इसमें रक्त परिसंचरण में सुधार लाने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने, हृदय रोग को रोकने में मदद मिलती है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस के विकास का धमनियों के सख्त होने की गति को धीमा कर देता है। ये दिल के दौरे को, स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में मदद करता है। लहसुन सुबह 1 या 2 कुली छील करके सेवन करें, इससे आपका हृदय और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हृदय को संरक्षण प्राप्त होता रहेगा। आप अपने चिकित्सक से परामर्श करने के बाद इस जड़ी बूटी का सप्लीमेंट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। यह हाई ब्लड प्रेशर में लहसुन बहुत लाभदायक है। अगर शरीर में एंजियोटेंसिन एंजाइम और एसी
नामक एंजाइम का उत्पादन बढ़ जाए तो इसमें बीपी बढ़ जाता है। कई अंग्रेजी दवाइयां इस एंजाइम को बनने से रोकने का काम करती है, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लहसुन में गामा ग्लूटामिलसिस्टिन एक प्राकृतिक इसी अवरोधक होता है। यह रसायन होने की वजह से लहसुन धमनियों को चौड़ा करता है, जिससे हाई बीपी निश्चित कम होता है। अध्ययनों से पता चला कि लहसुन उच्च रक्तचाप को कम करता है, विशेष रूप से सिस्टल रक्तचाप। उच्च रक्तचाप से पीड़ित रोगों को रोजाना कुछ लहसुन की कलियों को खाली पेट खाना चाहिए। अगर आपको लहसुन का स्वाद पसंद नहीं है तो इसे खाने के बाद एक गिलास दूध पी सकते हैं। आप लहसुन के सप्लीमेंट की खुराक भी ले सकते हैं। अब ये गठिया के अंदर बहुत फ़ायदा करने वाली चीज़ है। गठिया एक ऐसी बीमारी है जो आपको जीवन में कभी किसी आयु के अंदर हो सकती है, पर सामान्य जीवन जीने के लिए निश्चित रूप से इस लड़ने के कई तरीके हैं। उचित डाइट गठिया रोग के लिए बराबर महत्वपूर्ण है। प्राचीन ग्रंथों में इसके लक्षणों को दूर करने के लिए कई पूरक वैकल्पिक थेरेपी बताई गई, हालांकि इनमें अधिकतर उपचारों में वैज्ञानिक प्रमाण अवधारणा नहीं है। कुछ का शोधकर्ताओं द्वारा परीक्षण किया गया जो अत्यधिक प्रभावी साबित हो रहे हैं। गठिया के दर्द और सूजन के लिए ऐसा एक आधारित उपाय लहसुन है। लहसुन एक ऐसा हर्बल उत्पाद है जिस पर काफ़ी शोध हुए हैं और कई स्वास्थ्य स्थितियों के लिए इसका उपयोग किया गया है। रूमेटाइड गठिया के इलाज में विशेषकर लाभदायक साबित होता है। संधिशोथ गठिया वाले लोगों के दर्द और अन्य लक्षणों को कम करने के लिए लहसुन एक परखा हुआ प्रभावी उपाय है। इसमें निहित एंटीऑक्सीडेंट एंटी इंफ्लेमेटरी गुण गठिया के रूप में जुड़ी सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसमें एक डाइफाइड का नामक यौगिक भी शामिल है, जो हानिकारक एंजाइमों को सीमित करने में सहायता करता है। गठिया के कारण सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए अपने नियमित आहार में लहसुन को शामिल करना चाहिए। लहसुन को लेने के कई तरीके हैं। आपको सूखे पाउडर के रूप में और कैप्सूल पर और टेबलेट के रूप में लिया जा सकता है। आप इसका तेल भी ले सकते हैं। गठिया या अन्य दर्द के उपाय के रूप में लहसुन को उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श कर लें। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कच्चे लहसुन के रस को घावों पर एंटीसेप्टिक के रूप से इस्तेमाल किया जाता था। हजारों लोगों को बचाने में मदद मिली थी। इसको इलाज के रूप में काफ़ी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। कई सालों से सुझाव दिए जाते हैं कि लहसुन हृदय रोग, हाई कोलेस्ट्रॉल, सर्दी जुकाम, फ्लू सहित कई प्रकार की चिकित्सा समस्याओं में मदद कर सकता है। इसका कारण यह कि लहसुन में एलिसिन होता है, जिसकी एक अलग गंध होती है। लहसुन विटामिन सी, B6 और सेलेनियम और मैग्नीज जैसे खनिज का एक अच्छा स्रोत है। ये सभी विटामिन और खनिज प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करते हैं और खनिज के अवशोषण में भी सुधार लाते हैं। इसके अलावा लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जो शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं। लहसुन लहसुन खाने के लाभ और भी हैं। लहसुन एंटीबायोटिक और एंटीवायरल लाभ करता है, जो लहसुन को सर्दी और खांसी के लिए अद्भुत उपचार बना देती है। इससे ऊपरी श्वसन संक्रमण की गंभीरता कम हो जाती है। खांसी अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन स्थितियों के इलाज में अत्यधिक लाभकारी है। लहसुन खाने के अतिरिक्त आप लहसुन का सप्लीमेंट का भी नियमित आधार पर सेवन करके श्वसन संबंधी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कच्चे लहसुन के खाने के फायदे। लहसुन में शक्तिशाली एंटी फंगस कवच विरोधी गुण पाए जाते हैं, जो फंगस संक्रमण से लड़ने की सहायता करते हैं। फंगस इन्फेक्शन दांत का एक प्रमुख कारण बन सकता है। लहसुन कैंडिडा से लड़ने की मदद करता है।
कवच संक्रमणों को मात देने के लिए प्रभावित त्वचा क्षेत्रों पर लहसुन का तेल या जेल लगाना चाहिए। मुंह में छाले हों तो पीड़ित होने पर मुंह के प्रभावित क्षेत्रों पर लहसुन का पेस्ट लगाएं। अपने आहार में ताज़ा कच्चे लहसुन को शामिल करें। लहसुन सेवन से एलर्जी में भी फायदा होता है। लहसुन बंद नाक छींक आना, आँख से पानी आना जैसी एलर्जी के लक्षणों को ठीक करता है। यह आपकी एलर्जी लक्षणों की गंभीरता को बात करने के लिए हिस्टामाइन से लड़ने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि लहसुन एक हिस्टामाइन विरोधी है। लहसुन एलर्जी वाली कोशिकाओं पर हमला करके रक्त प्रवाह में पूरी तरह उन्हें हटाकर एलर्जी को ठीक करने में मदद करता है। लहसुन में एक उत्तम एंटीवायरल एंटी इंप्लीमेंट्री गुण पाए जाते हैं जो शरीर के विभिन्न प्रकार की एलर्जी से लड़ने में मदद करते हैं। लहसुन में एलर्जिक राइनाइटिस के कारण हुई वायु मार्ग में सूजन को कम करने की भी ताकत होती है। एलर्जी सीजन के दौरान एलर्जी वाले रोगों को दैनिक रूप से लहसुन का पूरक लेने की सलाह दी जाती है। त्वचा पर चकत्ते, कीट या काटने पर अन्य प्रकार की एलर्जी की खुजली को तुरंत ठीक करने के लिए लहसुन के पेस्ट को प्रभावित क्षेत्र पर लगाने से अच्छा फायदा मिलता है। इसके अलावा मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की लगभग 500 में से अधिक प्रजातियां होती हैं। इनमें से कुछ बैक्टीरिया स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, कुछ नहीं होते हैं। अपने मुंह को स्वस्थ रखने के लिए आपको इन अच्छे और बुरे बैक्टीरिया को संतुलित रखना पड़ता है। दांत दर्द के अंदर लहसुन में पाए जाने वाला एलिसिन खराब बैक्टीरिया को रोकता है और मुंह में बढ़ने से पहले दांत को खराब होने का कारण बनते हैं। कई अध्ययनों के निष्कर्ष निकला कि लहसुन के उपयोग से खराब बैक्टीरिया की आबादी को नियंत्रित करके अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देकर और मसूड़ों की बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। दांत दर्द को कम करने में लहसुन बहुत ही प्रभावी माना गया है। इसका श्रेय इसमें निहित एंटी बैक्टीरियल और एनाल्जेक्टिक गुणों से होता है। दांत दर्द से तत्काल राहत पाने के लिए आपको 10 लहसुन का दांत दर्द से तत्काल आराम पाने के लिए आपको बस लहसुन का तेल या कश किए हुए लहसुन का एक टुकड़ा प्रभावित दांत पर और आसपास के मसूड़ों पर लगाना है। लहसुन पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए पेट के कार्यों को नियंत्रित करता है। पाचन तंत्र के लिए इसमें फायदेमंद खाद्य पदार्थों में से लहसुन है। यह लिम्फ पर लाभकारी प्रभाव डालता है और साथ ही शरीर में मौजूद घातक पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है। ये पाचन रस के स्राव को बढ़ाता है। लहसुन की कलियों को कुचलकर लौंग पानी दूध में डाला जाता है और पाचन के सभी प्रकार के विकारों के लिए इसे काम में लिया जाता है। लहसुन आंत पर एक बहुत ही चिन्हित प्रभाव पैदा करता है। ये कीड़े एक्सपेलर के रूप में एक उत्कृष्ट एजेंट है। ये दस्त के विभिन्न रूपों में एक सुखद प्रभाव पड़ता है। कोलाइटिस, डाइसेंट्री और अन्य कई आंतों के अपेक्स जैसी समस्याओं का सफलतापूर्वक ताज़ा लहसुन या लहसुन कैप्सूल के साथ इलाज किया जा सकता है। एक लहसुन कैप्सूल दिन में 3 बार लिया जाता है जो आमतौर पर दस्त और डाइसेंट्री के हल्के मामलों को ठीक करता है। लहसुन जिगर को भी ताकत देता है और जिगर को नुकसान पहुंचाने से भी बचाता है। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप लहसुन का सेवन अत्यधिक करें। अत्यधिक करना भी ठीक नहीं होता है। पाचन तंत्र को मजबूत करता है। लहसुन के कैंसर को रोकने के कुछ गुण होते हैं। इसमें लहसुन में कैंसर विरोधी गुण पाया जाता है। विशेष रूप से यह कैंसर के ट्यूमर में खून को जाने से रोकता है। लहसुन पेट, गैस्ट्रिक और कोलन कैंसर के विशेष रूप से लाभदायक होता है। ये कुछ प्रकार के ट्यूमर के विकास पर भी रोक लगाता है। कुछ ट्यूमर के आकार को कम करने में मदद करता है। लहसुन में एलील सल्फर यौगिकों की उपस्थिति कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने की प्रगति को धीमा कर देती है। जिन लोगों को पारिवारिक इतिहास में
कैंसर का इतिहास मिलता है, तो उन्हें कई प्रकार के कैंसर के खतरे को कम करने के लिए लहसुन का नियमित प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा लहसुन में पाए जाने वाले एलिसिन को संभावित एंटी केयर एजेंट बताया गया है, जो लहसुन को काटने पर कुचलने पर उत्पादित होता है। यह संभव है कि एलिसिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने में निश्चित रूप से प्रभावी है। एलिसिन विशेष रूप से बैक्टीरिया, वायरस, आंतों के अमीबा के संक्रमण को रोकने में बहुत ही मजबूत प्राकृतिक हथियार है। इन्हें निकलवा कर ये कई प्रकार से अप्रत्यक्ष तरीकों से कैंसर के खिलाफ लड़ने में आपकी मदद करता है। लहसुन खाने के फायदे, वजन भी कम होता है। ये औषधीय जड़ी बूटी हार्मोन को नियंत्रित करके आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इसका मतलब है कि लहसुन खाने से आपकी भूख दबती है, जिससे आप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्नैक्स के साथ अत्यधिक खाने से भी बच सकते हैं। ये चीनी और फास्ट फूड की इच्छा को भी महत्वपूर्ण रूप से कम कर देता है। यह चयापचय को बढ़ाने में मदद करता है। लहसुन का नियमित सेवन आपके शरीर को नोरेपिनेफ्राइन बनाने में मदद करता है, जो शरीर की चयापचय गतिविधि को बढ़ाने के लिए एक जिम्मेदार न्यूरोट्रांसमीटर है, जिससे रोजाना खाने के शरीर में पेट के जोड़ने वाली प्रतिक्रियाओं में मदद मिलती है। अगर आप लहसुन का उपयोग वजन कम करने के लिए करने जा रहे हैं, तो इसको खाली पेट लेना सबसे अच्छा तरीका है। ये तरीका लहसुन से वजन कम करने का सबसे अच्छा घरेलू उपाय माना गया है। खाली पेट लहसुन का सेवन आपके शरीर में चयापचय को भी तेजी से बढ़ाकर ये वजन कम करने में बहुत आपकी मदद करता है। इसके लिए आप सुबह खाली पेट 2 से 3 लहसुन की कली इसको आप खाएं और वजन से छुटकारा पाएं। इसके अलावा लहसुन उपयोग करने के बहुत सारे फायदे हैं, परंतु साथ ही साथ इसमें स्वास्थ्य के लिए कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जिनका ज्ञान सभी प्रकार से इस्तेमाल करने वालों को दुष्प्रभाव से बचाने के लिए आवश्यक है। लहसुन में साइड इफेक्ट्स को अच्छी तरह से जान लें। लहसुन का उपभोग ब्लोटिंग, पेट फूलना, ये इसके साइड इफेक्ट अधिक आने से गैस, खराब पेट, गंदी सांस और शरीर की गंध जैसी समस्या उत्पन्न करता है। यदि आप पेट या पाचन की समस्या से ग्रस्त हैं, तो सावधानी के साथ लहसुन का प्रयोग करें। ये एक कंदरोधी रूप में कार्य करता और रक्त पतला करने वाली दवाओं से हस्तक्षेप कर सकता है। लहसुन का सेवन करने से आपके शरीर में मुंह से दुर्गंध आ सकती है। लहसुन के पूरक सप्लीमेंट का सेवन गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। लहसुन वाट्रिन एम्प्लीट्रलेट और सानबीनावीर और एंटी हाइपरटेंसिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव को एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए लहसुन का सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से मिल लें। लहसुन की तासीर गर्म और खुश्क होती है, इसलिए सीमित मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। कई बार इसका अत्यधिक प्रयोग करने से पेट की कई समस्याएं खड़ी हो जाती है। गर्मियों में इसका प्रयोग कम ही करना चाहिए, क्योंकि यह गर्म प्रकृति का होता है और गर्म तासीर की वजह से आम और इसे सर्दियों में उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अगर किसी को व्यक्ति को धनिया, नींबू, पुदीना आदि लेने की सलाह दी जाती है, कई मामलों में देखा गया कि इसमें सल्फर मौजूद होने की वजह से लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है। इस वजह से इसे देख के सेवन करना चाहिए। देखिए, लहसुन का ये सब लिखा हुआ है, ये इसमें ये नहीं लिखा कि लहसुन जो है, अब हम देखो, आप अगर विश्वास करते हैं हिंदू धर्म पे, हिंदू पुराणों के ऊपर, तो मैं आपको बताता हूँ
अब ये मैंने या तो कहीं पढ़ा है या सुना है, हो सकता है कि मैं गलती पे हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। जब देवताओं को और राक्षसों को अमृत पान करवाया जा रहा था, तो छद्म वेश के अंदर राहु और केतु देवताओं का वेश बना के उनकी पंक्ति में बैठ गए। तो लक्ष्मी जी जब अमृत पिलाने लगी, तो चंद्रमा और सूर्य ने इशारा करके और उनको कहा कि ये राक्षस हैं, इनको ना पिलाओ। तो भगवान ने अपना चक्र चला के उन दोनों को माथे से अलग कर दिया। तो उस वक्त राहु को उल्टी हुई, तो कहते हैं कि जहाँ उसकी उल्टी हुई वहाँ पे लहसुन की उत्पत्ति हुई, क्योंकि वो अमृत का पान गले तक पी गया था लेकिन वो पेट में न जा सका और भगवान ने उसका माथा काट दिया। तो वो जो उल्टी हुई तो वहाँ लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसलिए लहसुन के लिए कहा गया है कि ये अमृत से पैदा हुआ है लेकिन ये उसकी उल्टी जहाँ गिरी वहाँ पैदा हुआ, इसलिए इसको तामसिक रूप में माना गया है। कभी इसमें बदबू आती है, ये ठीक नहीं होता। एक तो ये मिलता है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, वन औषधि चंद्रोदय के अंदर जो जंगलनी जड़ी बूटी के लेखक हैं उन्होंने अपने लहसुन के अध्याय में लिखा है, जो चीज़ गूगल में नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि एक वृद्ध सेठ ने 60 साल की उम्र के अंदर अपने वैद्य से कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ और औलाद पैदा करना चाहता हूँ, तुम्हारी बेदंगी में अगर ताकत है क्या ऐसी? तो उन वैद्य ने हाँ भरी कि मैं आपको ऐसा कर दूंगा, आप शादी कर लीजिए, औलाद भी पैदा होगी। तो उनकी शादी, देखो उस वक्त कोई इतने बंधन नहीं थे, 16 साल की एक 18 साल की लड़की से उसकी शादी हो गई। और उसके बाद उस वैद्य ने उन सेठ जी को लहसुन का कल्प करवाया। अब वो सर्दियों में 1 महीना करवाया या 2 महीना करवाया, जो भी है, और भगवान की दया से शादी के 11 महीने बाद ही बाल गोपाल हो गया, लड़का हुआ। तो सेठ के कई नौकर गुमास्ते मुनीम और कहीं, तो एक दिन वैद्य जी अंदर से बाहर जा रहे थे तो किसी ने टोंट मार दिया, तो बच्चा तो हो ही सकता है। उनका कहने का मतलब है कि ये सेठ का नहीं है और किसी का है। तो वैद्य ने वो बात सुन ली और उन्होंने उसका एक जने का हाथ पकड़ा, कर मेरे साथ चलो। कर नहीं वैद्य जी कहाँ चल रहे, कर नहीं तुम चलो मेरे साथ। तो वैद्य जी उसको वापस सेठ के ऊपर कमरे में ले गए और सेठानी को कहा कि बालक को ले के आओ। तो सेठानी ने देखा है क्या बात है, वो बालक को लेके आई। फिर उस आदमी को वैद्य जी ने कहा कि इसके पांव को सूंघ के देखो किस चीज़ की खुशबू आती है। तो उसने पांव को सूंघा और सूंघते ही कहा कि इसमें तो लहसुन की बदबू आती है। तो मैंने तुम्हारे सेठ को 2 महीना लहसुन खिलाया और उसमें इतनी ताकत थी कि ये संतान पैदा हुई और इसके पैर के अंदर तक भी लहसुन की बदबू आती है। कैसा जवाब दिया उसने, तो लहसुन के अंदर इतनी ताकत होती है। लेकिन देखो आजकल न तो ऐसे वैद्य हैं न ऐसे सेठ हैं, जो है वो ही नहीं संभलती, तो 60 साल में शादी करके औलाद क्या पैदा करेंगे। तो ये बात देखिए, ये जो मैं दोबारा ये जो बता रहा हूँ जंगलनी जड़ी बूटी वाली सेठ की बात, ये सत्य है, इसको आप वनौषधि चंद्रोदय में देख सकते हैं। और लहसुन की जो उत्पत्ति वाली बात बताई है ये काल्पनिक हो सकती है। दोस्तों आज मैंने लहसुन के बहुत फायदे बताए। मैं ये एक बात बताता हूँ, मैं भी लहसुन का प्रयोग करता हूँ, बाकी लहसुन का अधिक प्रयोग करना ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए, इसको थोड़ी मात्रा में खाए। गरीब आदमी वो रोज ही लहसुन खा सकते हैं क्योंकि वो मेहनत करते हैं, जी तोड़ के मेहनत करते हैं,
वो लहसुन के अंदर कई चीज़ें डालते हैं, उसके साथ अन्न ज़्यादा खाते हैं, वो 5-7 रोटी खाते हैं, यानी कि आधा किलो अन्न खाते हैं, तो वो हजम कर जाते हैं रोज़ाना लहसुन। आप और हम मेहनत नहीं करते तो हजम नहीं कर सकते, इसलिए आपको और हमको लहसुन बहुत कम खाना चाहिए। एक कश्मीरी लहसुन आता है पहाड़ी हिमाचल की तरफ, वो एक के अंदर एक गोली निकलती है, वो रोज़ की एक गोली खा लेनी चाहिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। वो लहसुन थोड़ा महंगा होता है और उसमें इतने तुर्रापन नहीं होता, तो जो उधर से वास्ता रखते हैं आजकल ऑनलाइन आ जाता है, तो नित्य खाने वाले उस लहसुन का प्रयोग करें। दोस्तों आज मैंने लहसुन पे आपको ये दिया है वीडियो, आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।